भी अपना मीडिया डॉट नेट का अकाउंट अप्रूव कराना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपका मीडिया डॉट नेट का अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। डॉट नेट का अकाउंट अप्रूव कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ऐसा चीज़ का ज़रूरत नहीं है इसमें। ये गूगल एडसेंस इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी स्टेप में और बहुत ही जल्दी अप्रूवल दे देता है। तो आप ध्यान रखिए, बस एक बार ट्राई कीजिए और अच्छे से ट्राई कीजिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो स्टेप, उस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको 2 से 4 घंटे के बीच में या एक दिन के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। मेरा तो तीन से चार घंटे के बीच में अप्रूव हो गया था। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि देखिए मेरा अकाउंट कैसे अप्रूव हुआ था। तो ये है 29 जून 2018, 5:06 में मैंने अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं मेल। और 29 जून 2018, 8:42 में मेरा अकाउंट अप्रूव हो चुका था, देख सकते हैं। कॉन्ग्रेट्स MD सरफराज कुरैशी, योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड, जैसे कि देख सकते हैं। तो मैंने इसे क्या किया जो मेरा 2 से 3 घंटे के बीच में अकाउंट अप्रूव किया? मैं आपको बता दूं, मेरे वेबसाइट में कुछ खास ट्रैफिक नहीं है, अभी नया नया स्टार्ट किए हैं तो कुछ खास ट्रैफिक है नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कुछ स्टेप जो मैंने खुद अप्लाई करने के बाद, मैंने खुद बहुत रिसर्च करने के बाद ये खोजा है और ये ढूंढा है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके अकाउंट में, आपके वेबसाइट में सबसे पहले आपका वेबसाइट प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए, जैसे कि आप किस कैटेगरी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसका पूरा प्रॉपर मेगा मेन्यू बना होना चाहिए। मेगा मेन्यू क्या होता है? इस बार को मेगा मेन्यू बोलते हैं, ये होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके वेबसाइट में पेजेस होना चाहिए, जो कहीं भी आप डाल सकते हैं, फुटर पे, हेडर पे, ये है पेजेस। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए आपके अकाउंट में सोशल मीडिया, हो सके तो आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग कीजिए, जैसे कि फेसबुक पे पेज बनाइए, ट्विटर पे पेज बनाइए, इंस्टा पे पेज बनाइए, यूट्यूब पे चैनल हो सके तो कीजिए, वरना गूगल प्लस में बनाइए। सोशल मीडिया में हर जगह फैला दीजिए अपना लिंक, ठीक है। ध्यान रखना होगा कि आपके ब्लॉग में या वेबसाइट में कम से कम 20 यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। आर्टिकल कम से कम, वो हर आर्टिकल का एज मतलब 1000 वर्ड से ऊपर ही रखिएगा, ताकि आपको आसानी हो। मैंने, अगर आप नहीं जानते कि हाउ टू मेक ए ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप, तो ये आर्टिकल एक बार पढ़िएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप पेजेस कैसा होना चाहिए, जैसे कि अबाउट अस पेज आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में पूरा जानकारी यूज़र को मिल सके, और आपके बारे में भी अगर हो सकता है तो आप डाल दीजिए। और कॉन्टैक्ट अस का पेज एकदम सिंपल होना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। प्राइवेसी पॉलिसी में आप बताइए कि आप क्या क्या कलेक्ट करते हैं, किस तरह कलेक्ट करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं, और कैसा आपका साइट काम करता है, और आप कहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं, सब कुछ बता दीजिए आप, ठीक है। और वेब मास्टर टूल में आप अपना ज़रूर साइट मैप सबमिट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम भूलिए नहीं। आप गूगल में अपना, गूगल सर्च इंजन में आप अपना साइट मैप डाल देते हैं, लेकिन बिंग में आप नहीं डालते, तो ये ज़रूरी से आप डाल दीजिए, एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको मस्ट समझ के डाल दीजिए आप। डालने के बाद अपना आर्टिकल का सबमिट भी कर सकते हैं, अपना आर्टिकल का लिंक सबमिट भी कर सकते हैं बिंग में। और ये सब करने के बाद आप सोशल मीडिया में अपने सारे आर्टिकल को सबमिट करें, मतलब सोशल मीडिया पे आप अपने सारे आर्टिकल को शेयर करें जिसमें भी हो सके, ठीक है। देखिए अब ऐड पूरा सही से चल रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, आप आर्टिकल डालते रहें। आप इस मेथड को फॉलो करके मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन के अंदर में आपका वेबसाइट अप्रूव हो जाएगा। अगर आपके वेबसाइट में कुछ थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक है तो अप्रूव हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आपका, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।